रविवार शाम गोहाना पानीपत रोड पर मुडलाना गांव के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे पर उपायुक्त विनय सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त विनय सिंह ने बताया कि हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है और 9 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए पहले PGI खानपुर और उसके बाद सभी को रोहतक PGI में रेफर कर दिया गया है। श्री विनय सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वह स्वयं SDM गोहाना आशीष कुमार व SDM सोनपत प्रशांत पंवार, CMO JS पुनिया सहित प्रशासनिक अमले के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। इसके साथ ही सोनीपत से गोहाना से डॉक्टरों की टीम भी तत्काल खानपुर PGI में भिजवाई गई थी। श्री विनय सिंह ने बताया कि मृतक 12 लोगों में से एक रामकरण निवासी कृष्णा कॉलोनी रोहतक का था। वहीं 11 मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और सभी कपड़े की फेरी लगाने का काम करते थे। उपायुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश के इन मृतकों में 5 जिला शामली, 4 जिला मुजफ्फरनगर, 2 बागपत जिला के रहने वाले थे। घटना के तुरंत बाद उन्होंने UP के 3 जिलों के GM से बात की और मृतकों व घायलों के परिजनों तक सूचना भिजवा दी गयी।